हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैं आज फिर से हाउ टू टेक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल रीडिंग इन अ वर्नियर ट्रांजिस्ट थियोडोलाइट पे एक वीडियो बना के आपको हेल्प करना चाहती हूँ। पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाया था उसको आपने बहुत सारे व्यूज़ भी मिले हैं और लाइक भी किया है, उसके लिए आपको बहुत सारा थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विथ टूडेज टॉपिक, हाउ टू टेक हॉरिजॉन्टल रीडिंग एंड वर्टिकल एंगल रीडिंग इन वर्नियर ट्रांजिस्ट थियोडोलाइट। आई होप यू लाइक दिस ऑल्सो वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक वन ईयर ट्रांजिस्ट थियोडोलाइट है। रीडिंग लेना इसमें बहुत आसान है अगर आप इसके तीन स्क्रू के बारे में बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इसका लोअर प्लेट स्क्रू है, ये यहाँ पे जो है वो अपर प्लेट स्क्रू है, और यहाँ पे जो है टिल्टिंग स्क्रू है। ठीक है, ये दो स्क्रू की हेल्प से, ये अपर प्लेट और लोअर प्लेट स्क्रू की हेल्प से आप जो हॉरिजॉन्टल रीडिंग है, एंगल रीडिंग, यहाँ पे जो वन ईयर है उसके रीडिंग ले सकते हो। और यहाँ पे जो टिल्टिंग स्क्रू है उसकी हेल्प से आप जो ये टेलीस्कोप है, यहाँ पे आपको वर्टिकल एंगल रीडिंग है वो उसकी हेल्प से ले सकते हो। तो अगर इसके बारे में आप क्लियर हो कि वर्टिकल रीडिंग के लिए हमें इसका टिल्टिंग स्क्रू का इस्तेमाल करना है और हॉरिजॉन्टल रीडिंग लेने के लिए हमें ये जो दो स्क्रू दिए गए हैं, अपर प्लेट स्क्रू और लोअर प्लेट स्क्रू का इस्तेमाल करना है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे देखो, मैं इसके हिला रही हूँ तो रीडिंग यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है विंडो बी। ठीक है, तो अगर मैं उसको घुमा के इधर ले आती हूँ आपके पास, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे यहाँ पे लिखा हुआ है ए, मतलब ये क्या है, विंडो ए है और उस साइड विंडो बी है। अब आप अगर विंडो ए को 0-0 पे सेट करते हो तो ऑब्वियसली विंडो बी पे आपको 0 और नीचे जैसे यहाँ पे 200 दिख रहा है, उसकी जगह पे आपको क्या दिखने वाला है, 180 दिखेगा, क्योंकि डिफरेंस क्या होगा विंडो ए और विंडो बी का, सो 180 डिग्री होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 180 डिग्री सेट करते हो तो ऑब्वियसली आपको उधर 0 डिग्री, 0 मिनट और 0-0 सेकेंड देखने को मिल सकता है। पर प्रैक्टिस हमारी हमेशा कौन सी रहती है कि हम विंडो ए में हमेशा 0 डिग्री, 0 मिनट, 0 सेकेंड को सेट करते हैं, तो हमको विंडो बी में 180 डिग्री देखने को मिलती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंप्लेन ये होता है कि मैडम एक्चुअल में हम इसको सेट कैसे करेंगे, ये भी सही है, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा एक और पॉइंट क्लियर कर देते हैं। जब आप इसको पूरा हिला रहे होते हो, देखो मैंने पहले ही आपसे कहा कि हॉरिजॉन्टल रीडिंग लेने में आपको दो स्क्रू याद रखने हैं। ठीक है, कौन सा, तो पहले बताया अपर प्लेट स्क्रू और दूसरा लोअर प्लेट स्क्रू। अगर मैं अपर प्लेट स्क्रू को फिट कर देती हूँ, मतलब कि उसको लूजन नहीं रखना है, टाइट कर देती हूँ, तो क्या होगा कि ये मेरा जो पूरा टेलीस्कोप है वो तो हिलेगा पर ये जो रीडिंग है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे जो लोअर प्लेट स्क्रू है उसको यहाँ पे, ठीक है, उसको टाइटन कर देती हूँ, तो ये जो मेरा पूरा इंस्ट्रूमेंट है वो कहीं से भी घूमने वाला नहीं है। तो मतलब क्या है कि अगर मुझे बाइसेक करना है, रीडिंग नहीं बदलना है, तो मुझे हमेशा लोअर प्लेट स्क्रू ही लूजन करना होगा, मतलब उसको ढीला छोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा इंस्ट्रूमेंट मूवमेंट हो सकता है। एक बार मैंने अगर लोअर प्लेट स्क्रू टाइट कर दिया तो फिर इंस्ट्रूमेंट को किसी भी डायरेक्शंस में हिलाना बहुत मुश्किल है। दूसरा, अगर मैं अपर प्लेट स्क्रू को रिलीज़ करती हूँ, लोअर प्लेट स्क्रू को नहीं रिलीज़ करती, तो उसका मतलब क्या है कि मेरा जो ये वर्नियर का रीडिंग है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मुझे रीडिंग्स चेंज करने के लिए अपर प्लेट स्क्रू का इस्तेमाल करना है, और मुझे लोकेशन मतलब बाइसेक करने के लिए अगर रीडिंग चेंज नहीं करना है, सेम रखना है, और सिर्फ मुझे डायरेक्शंस बदलनी है, तो उसके लिए मैं लोअर प्लेट स्क्रू का इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, चलिए अब दूसरे टॉपिक पे जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये विंडो बी है, अब हम चले जाते हैं पहले विंडो ए की ओर। ठीक है, अभी मैं अपने दोनों स्क्रू को ढीला छोड़ रही हूँ, ठीक है, उसको टाइट नहीं किया है मैंने। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं विंडो ए पे। अब मुझे ऊपर तो 0 दिख रहा है, ठीक है, पर आई कैन नॉट सी 0 बिलो। अब मुझे इसको 0 पे सेट करना है। ठीक है,
अब फिर से मैं आपको बता दें, देखिए इधर मुझे ज़ीरो दिख रहा है, ठीक है, नीचे मुझे 80 दिख रहा है और 90 दिख रहा है, तो मतलब मुझे क्या करना है, ज़ीरो लाना है। तो मैं इसको धीरे से ऐसे मानो कि चलो चलो भाई इसको हटाते हैं धीरे धीरे, 70 आ गया, ठीक है, फिर 40 आ गया, 30 आ गया, 20 आ गया, 10 आ गया, और ये देखिए यहाँ पे ज़ीरो आ गया, ठीक है। ये धीरे से मैं यहाँ पे इसको सेट कर रही हूँ, देखिए आप देखिए यहाँ पे ज़ीरो हमारे ज़ीरो से थोड़ा आगे चला गया है। वापस से उसे धीरे धीरे ज़ीरो की लाइन में ज़ीरो को मैच करने की कोशिश कर रही हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ज़ीरो की लाइन में ज़ीरो यहाँ पे मैच कर दिया है, ठीक है। तो अभी मेरा विंडो ए पे रीडिंग कौन सा हो गया, 0 degree 0 minute and 0 second। उसके बाद मैं तुरंत ही क्या करूँगी, उसके बाद जो मेरा अपर प्लेट स्क्रू है, ठीक है, जिससे रीडिंग चेंज हो जाता है, तो उसको मैं लॉक कर दूँगी। अब मैंने अपना अपर प्लेट स्क्रू लॉक कर दिया है। अब इससे क्या होगा, मैं किसी भी डिरेक्शन में देखो यहाँ पे ये जो है मैंने ये पूरा इसको गोल घुमा दिया है, ठीक है, मेरा अभी अपर प्लेट स्क्रू लॉक है, ठीक है। वापस से ए पे लेके आ गई, ठीक है, तो क्या होगा, इससे जो मेरा रीडिंग है जो 0 0 पहले था उसी पोजीशन में है, ठीक है, मतलब उसी पोजीशन में है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मतलब जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट कर लेते हैं, उसका रीडिंग ले लेते हैं, उसके बाद हमको अपर प्लेट स्क्रू लॉक करना रहता है। अब मैं आपको दूसरी ओर का विंडो बी का भी दिखा देती हूँ कि जैसे मैंने पहले बोला था कि डिफरेंस 180 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बी विंडो है, ठीक है, ऊपर 0 है और नीचे 180 है। तो मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर नहीं होगा, ठीक है, और आप अच्छी तरीके से रीडिंग भी ले सकते हो। तो मतलब आपके विंडो ए और विंडो बी के रीडिंग के बीच में परफेक्ट 180 डिग्री का डिफरेंस होगा, जैसे कि यहाँ पे बी विंडो पे 180 दिख रहा है और ए पे 0 0। अब मान लो कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को बाइसेक किया है और उधर मैंने 0 degree 0 minute 0 second सेट करके जो ये लोअर प्लेट स्क्रू है उसको लॉक कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा ये जो इंस्ट्रूमेंट है अब हिलने वाला नहीं है। अब मुझे किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करना है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे अपना इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ए पोजीशन पे डाल दिया है, मैंने यहाँ किसी एक ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट किया, उसका मैंने 0 degree 0 minute 0 second रखा है, फिर मैं क्लॉकवाइज डिरेक्शन में ऐसे किसी ऑब्जेक्ट दूसरे को बाइसेक्ट करती हूँ। ऑब्जेक्ट वन को मैंने 0 degree 0 minute 0 second पे सेट किया और मैं किसी ऑब्जेक्ट टू को बाइसेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले 0 सेट करके अपर प्लेट स्क्रू लॉक कर दिया, फिर उसको बाइसेक्ट करने के बाद लोअर प्लेट स्क्रू भी मैंने लॉक कर दिया। अब मुझे ये वाला जो एंगल है थीटा वो मेज़र करना है, तो मैं क्या करूँगी, लोअर प्लेट स्क्रू जो है उसको फिक्स ही रखूँगी, पर जो मेरा अपर प्लेट स्क्रू है उसको मैं रिलीज़ करके कौन सा पॉइंट बाइसेक्ट करने की कोशिश करूँगी, 2 number वाला, और जैसे ही वो बाइसेक्ट हो जाएगा मैं फिर से अपर प्लेट लॉक करके रख दूँगी और जो भी रीडिंग है वो मैं नोट कर लूँगी। अब वो कैसे करते हैं, समझ लो कि हमने पहले 0 0 सेट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, मैंने लोअर प्लेट भी लॉक कर दिया है। अब मैं धीरे से अपना अपर प्लेट स्क्रू जो है उसको रिलीज़ करके, मान लो कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको मैं बाइसेक कर ले रही हूँ, और रैंडमली मैंने इसको बाइसेक करके फिर से जो मेरा अपर प्लेट है उसको लॉक कर दिया है। अब मुझे रीडिंग देखना है, अब देखो मुझे रीडिंग देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि 0 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है, नीचे 90 दिख रहा है, ठीक है, तो जो मेरा 0 जो पॉइंट है वो 90 के बाद है कहीं पे। अब देख लो पहले प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया है कि नीचे जो है उसको मेन स्केल रीडिंग कहते हैं और ऊपर से हमको क्या मिलेगा, मिनट और सेकंड मिलेगा, और नीचे हमको मिलेगा डिग्री और मिनट। तो जो हमारा 0 वाला पॉइंट है आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो ठीक है,
तो वो क्या है 90 के बाद आता है। अब 90 के बाद एक डिवीज़न आएगा, तो यहाँ पे जैसे मान लो कि 90 डिग्री तो है, पर उसके बाद जो जीरो कॉन्साइड होता है वो 90 के बाद एक और डिवीज़न पे कॉन्साइड होता है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, मान लो मेन स्केल रीडिंग रहेगा मेरा 90 डिग्री और 90 डिग्री रहेगा और एक डिवीज़न जा रहा है, तो मतलब 20 मिनट है और 00 सेकेंड है, ठीक है। तो ये याद रखना है हमको, 90 डिग्री और 20 मिनट 00 सेकेंड। अब हमको क्या देखना है कि अपर जो स्केल रहा ऊपर का, ठीक है, उसमें से कौन सा जो मतलब जो हमको कौन सा कॉन्साइड होता है ऊपर और नीचे, ठीक है। तो हम धीरे से चेक करते आ रहे हैं। तो यहाँ कहीं हमको क्या दिख रहा है कि ये जो, अब देखो इधर 5, ठीक है, 5 पे जो है, ठीक है, वो नीचे एग्जैक्टली कॉन्साइड होता है, ठीक है। 5 वाला जो पॉइंट है, 5 मिनट वाला, 0 से लेके हम आएंगे इधर, 0 के बाद 1, फिर 2, 3, 4 और 5 वाला लिखा है, वो 5 वाला एग्जैक्टली नीचे के जो लाइन है उससे पूरे का पूरा कॉन्साइड होता है, ठीक है। तो ऊपर का रीडिंग हम क्या देखेंगे, 5 इधर हम अगर ऐड कर लें तो इसमें क्या ऐड करेंगे हम, 5 मिनट और 00 सेकंड, क्योंकि वो उसके आसपास एक डिवीज़न जाता नहीं है। तो हमारा रीडिंग क्या आ गया इधर, 90 डिग्री 25 मिनट और 00 सेकंड, ठीक है। तो हमको ऐसे हॉरिजॉन्टल रीडिंग मेज़र करना है। अब ये कौन सी विंडो का था, विंडो ए का। अब मैंने आपको बताया विंडो बी और ए के बीच में कितना डिफरेंस होता है, 180। सो लेट्स चेक उतना है कि नहीं। चलिए हम यहाँ पे आ गए हैं विंडो बी पे, ठीक है। अब हम विंडो बी का भी ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये विंडो बी है, ठीक है, ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। देखो तो यहाँ पे भी क्या है कि 270 के बाद एक डिवीज़न जाता है, ठीक है। 270 के बाद एक डिवीज़न जाएगा, तो मतलब हमारा मेन स्केल रीडिंग हो गया 270 डिग्री 20 मिनट 00 सेकंड। और आगे जैसे विंडो ए में 5 मिनट का जो एरो था, ठीक है, वो भी यहाँ पे पूरा मैच हो रहा है, ठीक है। 5 का जो एरो है, मैं आपको बता दूँ फिर से, ठीक है, ये जो 5 का एरो है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे फिर से ये जो 5 का एरो है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड होता है, ठीक है। और 270 के बाद एक डिवीज़न जाता है, मतलब इसमें भी हमारा रीडिंग कौन सा रहेगा, 270 डिग्री 20 मिनट 00 सेकंड मेन स्केल का, और नीचे का रहेगा 5 मिनट 00 सेकंड। तो यहाँ पे हमारा रीडिंग क्या आ जाएगा, अगर हम लिख लें तो ये आ जाएगा 270 डिग्री 25 मिनट और 00 सेकंड। अब डिफरेंस क्या होना चाहिए, ये विंडो बी का है, ठीक है। तो 270 माइनस ये करेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री 00 मिनट 00 सेकंड। सो ये बहुत ही सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है। कोशिश करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे, तो आपको प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा कि कितना ये इजी है। सो घबराइए मत, इंस्ट्रूमेंट लीजिए और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आप अच्छे से कर पाओगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट इफ़ यू आर न्यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।